अल्फा सेंटोरी हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीकी तारा मंडल। ये हमारे सन से यही कुछ 4.37 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीकी तारा मंडल होने के अलावा भी ये अपने आप में कई रहस्यों और अपनी अलग ही विशेषताओं से भरा हुआ है। इस तारा मंडल की सबसे खास बात है इसकी रचना, क्योंकि इस तारा मंडल में एक या दो नहीं बल्कि 3 स्टार्स हैं। अब आप ही सोच कर देखो, जहां हमारा सिर्फ एक स्टार है और तब भी अपनी अलग रचना और खूबियों को लेकर हमारे वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। इसी कारणवश सन की स्टडी करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने कई महंगे सन मिशंस को अंजाम दिया है और आज भी वो सिलसिला जारी है। तो वहीं अल्फा सेंटोरी तारामंडल में तो 3-3 स्टार्स हैं, तो यह कितना विचित्र और रहस्यमय चीजों से भरा होगा। अल्फा सेंटोरी में अल्फा सेंटोरी 1, अल्फा सेंटोरी 2 और प्रोक्सिमा सेंटोरी इन 3 स्टार्स का बसेरा है। ये तो कुछ भी नहीं, ट्राई स्टार सिस्टम होने के अलावा ये तारामंडल कई गहरे रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें कुछ जीवन की संभावना को भी जन्म देती हैं। इन्हीं रहस्यों से रूबरू होने के लिए आज हम जाने वाले हैं हमारे पड़ोसी तारामंडल अल्फा सेंटोरी की एक अनोखी जर्नी पर। तो देर किस बात की, चलिए चल पड़ते हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट से भरपूर अपनी अनोखी जर्नी पर। अंतरिक्ष की गहराइयों को तराशते वक्त इंसानों को सबसे ज्यादा रुचि अगर किसी विषय में रही है तो वो है एलियन सभ्यता, यानी कि एक जीव सृष्टि जो किसी दूसरे प्लेनेट पर बसी हो। फिर चाहे वो हमारे जैसे दिखने वाले कोई बड़े जीव हो सकते हैं या आँखों से ना दिखने वाले बैक्टीरिया भी। फिलहाल हम हमारे अपने ही सौर मंडल में जीवन के सबूतों को ढूंढ रहे हैं, मगर अब तक तो ऐसी कुछ ठोस जानकारी अभी तक हाथ नहीं लगी है जिससे ये साबित हो कि हाँ, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरी स्पेस बॉडी पर जीवन मौजूद है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट सालों से स्पेस में लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद अलग अलग ग्रहों का अध्ययन करने में जुटे हैं, ताकि किसी न किसी ग्रह पर जीवन के सबूत मिल सके। आज तक की गई स्टडी में ऐसे कई प्लैनेट्स की खोज हुई है जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि ये प्लैनेट्स अपने स्टार्स के गोल्डिलॉक रीजन में स्थित है, यानी कि ये प्लैनेट्स अपने स्टार से इतनी दूरी पर मौजूद है जहाँ टेम्परेचर इतना बना हुआ है कि पानी तरल रूप में मौजूद है, पृथ्वी की तरह एक वायुमंडल है, और ऐसी स्थिति में इन प्लैनेट्स पर जीवन की संभावना को टाला नहीं जा सकता। जहां एक तरफ ये एक बड़ी खुशखबरी महसूस होती है, तो दूसरी ओर यहां एक कड़वी सच्चाई भी है कि ये बस हमारा अनुमान है। इसलिए हमने आज तक स्पेस में मौजूद जितने प्लैनेट्स की स्टडी की है वो वैसे ना हो इसकी पूरी पूरी संभावना है, और वैसे भी ये प्लैनेट्स हमसे इतने दूर हैं कि हम ये भी नहीं समझ सकते कि ये प्लैनेट्स ही हैं या कुछ और। प्लैनेट्स तो छोड़िए, क्योंकि वो वैसे भी काफी छोटे होते हैं, लेकिन उनके स्टार्स जो इतने विशाल और चमकदार होते हैं उनको समझना भी बहुत जटिल कार्य है। इसलिए जो प्लैनेट्स या स्टार्स हमसे जितना नजदीक है उनकी स्टडी करना उतना ही आसान होता है। अल्फा सेंटोरी हमसे सबसे नजदीकी तारामंडल है, और जैसे कि मैंने बताया ये हमारी खुशनसीबी समझो या कुछ और, लेकिन ये एक ट्राई स्टार सिस्टम है जो स्पेस में काफी रेयर होते हैं। अल्फा सेंटोरी हमारे सन से 4.37 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, मतलब प्रकाश को वहाँ से पृथ्वी पर पहुँचने के लिए 4.37 सालों का समय लग जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है जिससे हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। अगर हम वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए आज तक के सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब का इस्तेमाल करें तो वहाँ पहुँचने तक हमारी ना जाने कितनी सैकड़ों पीढ़ियां निकल जाएंगी, क्योंकि हमारे सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट से भी वहां पहुंचने के लिए 6000 सालों से भी ज्यादा समय लग जाएगा, जिसे करना इम्पॉसिबल है। फिर सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम पर पहुँचा जा सके। तो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो पेपर तक ही सीमित है, यानी कि फिजिक्स की सीमा ना तोड़ कर उसी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ऐसी कई अविश्वसनीय टेक्नोलॉजीज लिखित स्वरूप में हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने पेश की हैं, जिनको अगर हम भी समझें तो बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं। लगता है कि मानो इन टेक्नोलॉजीज को यूं ही बनाया जा सकता है, यह तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए बाएं हाथ का काम है, लेकिन हकीकत में इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना आज के सीमित संसाधनों में इम्पॉसिबल है। असलित में इस तरह का सवाल पूछना भी एक तरह की मूर्खता है। क्यों पता है?
ये इंसान है दोस्तों, ये कभी जंगल में रहा करता था। कौन सा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है और कौन सा नहीं, ये तक पहचानने की बुद्धि इसके पास नहीं थी। आप खुद ही सोचो, जिसे इतनी बेसिक चीज की रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी, वो आज मंगल पर अपनी बस्ती बसाने जा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को ये इंसान डेवलप नहीं कर सकता, ये कहना एक पागलपन है। वो बात अलग है कि शायद हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को देखने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन 100 साल लगे या 1000, ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी का ईजाद होना तय है। और ये भी तय है कि एक दिन इंसान पूरे अंतरिक्ष को ना सही, लेकिन कम से कम हमारे पड़ोसी यानी कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम पर जरूर जाएगा। कुछ समय के लिए आंखों के सामने छाए सपनों के सफर से बाहर आके आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हकीकत की जर्नी में किस तरह के स्पेसक्राफ्ट हमें अल्फा सेंटोरी तक ले जाने वाले हैं। सबसे पहले वार्प बबल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी स्पेस जर्नी की दुनिया में सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में स्पेसक्राफ्ट प्रकाश की गति से भी कई गुना तेजी से ट्रैवल करता है। दरअसल वार्प बबल ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां स्पेसक्राफ्ट को इतना मास प्रोवाइड किया जाता है जिससे टाइम कर्व हो जाता है, और स्पेसक्राफ्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ता है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। आई एम श्योर आप सबने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी जरूर देखी होगी। उसमें एक सीन है जहां थॉर एक स्टार की एनर्जी लेजर बीम की तरह एक ही डायरेक्शन में छोड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है जहां एक स्टार की मैक्सिमम एनर्जी को एक ही जगह स्टोर करके लेजर बीम की तरह रिलीज करके यूज किया जाता है। फिलहाल के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये सब यहीं छोड़ देते हैं और फिर से अल्फा सेंटोरी के उसी सपनों से भरी सफर पर चल पड़ते हैं, जहां हमें ऐसे कुछ नज़ारों का लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा जिसका अभी तक किसी ने भी अनुभव नहीं किया होगा। जैसे जैसे हम इस स्टार सिस्टम के करीब चलते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इसके अद्भुत नज़ारों के दर्शन करने को भी मिलेंगे। एक ही साथ 3 स्टार बहुत ही नजदीक दिखाई देंगे। सफर में हमें सबसे पहले दर्शन होंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी के। ये अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का सबसे छोटा और बाकी दोनों स्टार से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सन से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, जो इसे हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीकी स्टार बनाता है। ये अल्फा सेंटोरी के बाकी दो स्टार से इतना दूर है कि खगोल वैज्ञानिक आज भी इसी सवाल पर अटके हैं कि यह अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है या नहीं। जहां बाकी दो स्टार्स एक दूसरे का ऑर्बिटल पीरियड 79 सालों में पूरा कर लेते हैं, तो वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी को यही काम करने के लिए 5.5 लाख सालों का समय लग जाता है। खैर, हम जैसे ही प्रोक्सिमा सेंटोरी के करीब पहुंचेंगे, ये हमें हमारे सन से बिल्कुल ही अलग स्टार है ऐसा प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो सन से साइज में काफी छोटा है और इसका टेम्परेचर भी काफी कम होता है। सफर के दौरान हमें एक प्लेनेट भी नजर आएगा जो प्रोक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लेनेट का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी ए। ये प्लेनेट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो प्लेनेट है ना, ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक रीजन में स्थित है, यानी कि इस प्लेनेट पर पृथ्वी की तरह ही अवस्था हो सकती है, जिससे इस प्लेनेट पर एलियन सभ्यता के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी खुशखबरी में वैज्ञानिकों के एक गुट का ये भी कहना है कि यह प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट कर रहा है। चूंकि एक रेड ड्वार्फ स्टार किसी नॉर्मल स्टार की तुलना में कई गुना ज्यादा अल्ट्रावायलेट और ऐसी कई खतरनाक रेज इमिट करता है, जिससे इसको ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स पर जीवन का पनपना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। खैर, ये अभी भी प्रूव नहीं हुआ है कि यह प्लैनेट रहने लायक है कि नहीं, इसलिए हम हमारे सफर में एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ तो आगे बढ़ ही सकते हैं। बाकी प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद अब हम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी की ओर बढ़ेंगे। इन दोनों तारों के पास किसी पृथ्वी जैसे प्लैनेट के होने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि यह दोनों ही स्टार्स करीब करीब हमारे सन जैसे ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इन दोनों तारों के आसपास ऐसी अनोखी चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होगी। हमारे सबसे करीब होने के बावजूद भी हमें अल्फा सेंटोरी की काफी कम जानकारी है, जिससे यह विचारों के असीम सीमाओं को जन्म दे रहा है। खैर, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारी यह काल्पनिक यात्रा कब हकीकत में बदलेगी, मगर एक बात है, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे हम यहाँ बैठे बैठे ही वहाँ की स्थितियों को जान और समझ सकते हैं। ये सब पॉसिबल है हमारे पावरफुल टेलीस्कोप्स की वजह से। ओवर द इयर्स हमारे साइंटिस्ट्स ने कई पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाए हैं, उन्हीं में से एक है हबल। ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि यह वो टेलीस्कोप है
जिसने सालों से हमारे वैज्ञानिकों को स्पेस में मौजूद ऐसी ऐसी जानकारियां दी हैं जिसे सोचना तक नामुमकिन लगता था। आज के समय जिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऐतिहासिक डिस्कवरी से हम हैरान हो चुके हैं, शायद ये संभव ही न होती अगर हबल कभी अस्तित्व में न होता, क्योंकि जिन अविश्वसनीय तस्वीरों को JWST ने कैप्चर किया है उनकी नींव तो हबल ने पहले से ही रख दी थी। आज के समय दुनिया इंतजार कर रही है कि कब JWST को अल्फा सेंटोरी की ओर मोड़ा जाएगा और कब ये ऐसी जानकारी इंसानियत के सामने रखेगा जो हमें अचंभित कर दे। शायद जल्द ही ये पल आने वाला है जब हम अल्फा सेंटोरी के अनगिनत रहस्यों को जानने वाले हैं। अब ये कब तक होता है ये देखना बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम अपनी अद्भुत रचना के अलावा किसी बड़ी रहस्य को छुपाए बैठे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे जिससे वहां जाया जा सके और वहां के रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? आपके विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपके विचारों को जरूर पढ़ना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।